राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा का सर्वोत्तम और श्रेष्ठ दिन माना जाता है प्रदोष व्रत। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे या फिर कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के विषय में। इस बार प्रदोष व्रत बहुत ही विशेष है, बहुत ही सुंदर व्रत, सुंदर दिन पड़ रहा है। कहा जाता है सोम प्रदोष और शनि प्रदोष, ये दोनों प्रदोष जो होते हैं अपने आप में बहुत ही विशेष होते हैं। तो इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को पड़ रहा है। तो शनिवार का दिन होने के कारण ये शनि प्रदोष कहलाता है और इसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार चैत्र मास में प्रदोष व्रत 6 अप्रैल शनिवार के दिन है। धार्मिक मत है कि शनि प्रदोष व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है, साथ ही नवविवाहित साधक को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं शनि प्रदोष का शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि और महिमा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 अप्रैल को सुबह 10:19 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार को सुबह 6:53 पर समाप्त हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है, अतः 6 अप्रैल को ही शनि प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल यानी पूजा का समय संध्या काल 6:42 से लेकर रात 8:58 तक रहेगा। तो ये समय है, नोट कर लीजिए कि 6 अप्रैल को शाम 6:42 से 8:58 तक प्रदोष पूजा का समय है। इस दौरान साधक अपने आराध्य की पूजा उपासना कर सकते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि कैसे करनी है पूजा। और देखिए, एक बात हम आपको और बताएंगे कि जब कभी भी प्रदोष व्रत प्रारंभ करना है जिस किसी को भी, तो उसको ये जो व्रत है वो शनि प्रदोष जब पड़े उसी दिन से प्रारंभ करना चाहिए। वैसे तो ये कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है, किंतु यदि शुक्ल पक्ष किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष में शनि प्रदोष व्रत पड़ता है तो आप उस दिन से व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कीजिए। बहुत ही सुंदर व्रत है। देवों के देव महादेव, हमारे भोलेनाथ, हमारे भोले भंडारी, जिनको हम अनेकों नाम से पुकारते हैं, बाबा बर्फानी और पता नहीं कितने उनके नाम हैं, तो ऐसे भोले बाबा और माता पार्वती को समर्पित ये प्रदोष का व्रत बहुत अधिक सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। जिस प्रकार की भी साधक की मनोकामना होती है, हर मनोकामना इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। जिस प्रकार एकादशी महीने में 2 बार आती है 15 दिन के अंतराल से, वैसे ही प्रदोष का व्रत भी महीने में 2 बार ही किया जाता है। सभी लोग जानते हैं भगवान भोलेनाथ का व्रत एक तो सोमवार के दिन किया जाता है और दूसरा प्रदोष व्रत किया जाता है जो कि त्रयोदशी के दिन होता है। तो बहुत ही सुंदर व्रत है। भगवान शिव सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे यदि विवाह नहीं हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए ये व्रत रख सकते हैं। संतान की उत्पत्ति के लिए आपको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, जो भी संतान चाहिए उसकी मनोकामना करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। सरकारी नौकरी, पढ़ाई लिखाई, जॉब, हर तरह की चीज़ें, ग्रह कलह से मुक्ति के लिए, पति पत्नी के आपसी संबंधों में मधुरता लाने के लिए और न जाने क्या क्या जितनी भी मनोकामनाएं होती सभी को पूर्ण करने के लिए ये व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है, जो कि है प्रदोष का व्रत।
तो इस तरह से हमने जाना कि 6 अप्रैल को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, साथ ही हमने पूजा का समय भी जान लिया। करना क्या होता है कि सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्रों में नीले काले रंगों का प्रयोग ना करें, गुलाबी, क्रीम, पीले, लाल और सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। जो माताएं हैं वो पूरी तरीके से प्लेन सफ़ेद रंगों का प्रयोग ना करें, उनमें किसी और रंग का समावेश है तो उनका प्रयोग कर सकती हैं। पुरुष भाई सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है और उसके बाद जो भी आप अपनी प्रतिदिन का रोज का जो पूजा का नियम है वो करें। और आपको करना क्या है, यदि आपके घर में शिव परिवार का मूर्ति है या फिर शिव परिवार की तस्वीर है, देखिए होनी चाहिए, शिव परिवार की तस्वीर प्रत्येक घर में होनी चाहिए जिसमें गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदीश्वर और भोलेनाथ हों। उस इस तरह की जो तस्वीर है, प्रतिमा है, वो प्रत्येक घर में होना अनिवार्य है। उनको अच्छे से आप गंगा जल छिड़क कर साफ़ करें, यदि मूर्ति है तो स्नान करा सकते हैं और पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, यदि तस्वीर है तो पानी के छींटे देकर साफ करें। उसके बाद चंदन से तिलक करें, माता को सिंदूर लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अक्षत चढ़ाएं और जो भी भोग लगाना हो आपको, कोई फल घर में रखा हो, मिश्री हो, मेवा हो, कुछ मीठा हो, उसका भोग लगाकर व्रत का संकल्प ले लें। इस प्रकार आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और व्रत करने के बाद आपको क्या करना है, शाम के समय जो प्रदोष काल है, प्रदोष काल में आपको विधिवत पूजन करना है भगवान शिव का। यदि संभव हो सके तो शिवालय में जाकर पूजन कीजिए, मतलब मंदिर में जाकर पूजा करना चाहिए। देखिए प्रदोष व्रत में बहुत ही आवश्यक होता है, अगर संभव हो सके तो आप मंदिर में जाकर ही शाम के समय जो पूजन होता है प्रदोष काल में, वो पूजन आप मंदिर में करें। हाँ, और यदि आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है या किसी तरह का कोई व्यवधान है मंदिर जाने में, तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपने शिवलिंग रखे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप शिवलिंग का पूजन पूर्ण विधि विधान से करें। आप पंचामृत बनाएं, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगा जल, सारी चीज़ें मिलाकर आप पंचामृत बनाएं या फिर अलग अलग चीज़ों से भी अभिषेक कर सकते हैं। और इतना चमत्कारी व्रत होता है जब शनिवार को या सोमवार को प्रदोष पड़ता है, ओहो उस दिन तो क्या कहने हैं, मतलब व्रत का ऐसा फल मिलता है कि कभी कभी लगता है ना कि एकदम। और लेकिन हाँ, भाव सच्चा होना चाहिए आपका, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये व्रत करना होता है, पूजा करनी होती है। साथ ही शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और शिव जी के 108 नाम, शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और भगवान की कथा अवश्य पढ़ें, शनि प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। और एक बात आपको बताते हैं कि जब शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो ये शनि जी की, शनिदेव भगवान का यदि किसी प्रकार का कुंडली में दोष है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है, शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। और आप चाहें तो मंदिर जा रहे हैं तो भगवान शिव के साथ साथ शनि देव जी का भी पूजन कर सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत का बहुत महत्व होता है क्योंकि शनि देव भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष व्रत का ये संयोजन पवित्र और विशेष माना जाता है। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं उन्हें इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए इस शनि प्रदोष व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के साथ साथ भगवान शनिदेव की भी पूजा करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है हिंदू धर्म में, तो अगर आप व्रत रखते हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसमें हमने आपको यह भी बताया है कि आपको किस तरह से व्रत करना है और यह भी बताया है कि किस दिन व्रत करना है, डेट क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस तरह से हमने आपको बहुत कुछ बताया है। अब हम कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बताते हैं। भगवान का जल अभिषेक शहद और तिल का तेल मिलाकर यदि करते हैं तो भोले बाबा की कृपा बरसती है। पूजा में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, घी, चावल, मिठाई, फल फूल, नारियल, धूप दीप को शामिल करते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है।
घी शक्कर गेहूं के आटे से बना भोग चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन यदि राम भक्त हनुमान जी की पूजा की जाती है तो धन लाभ के योग भी बनते हैं, साथ ही सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्योर्मुक्षे मामृतात् ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरीके से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में मंत्र जाप करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और यदि आपके घर में किसी को भी बीमारी लगी रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, तो कहा जाता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से, शनि प्रदोष व्रत जिस दिन हो उस दिन भगवान का अभिषेक करने से लंबी बीमारी से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन रात्रि में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ कीर्तन का भी आप कार्य कर सकते हैं। रात भर कीर्तन करने का भी देखिए, वैसे भी शिव जी की जो पूजा होती है वो रात्रि के समय विशेष फलदायी मानी जाती है। और शिवरात्रि, जैसा कि देखिए शिवरात्रि, शिव जी की पूजा रात्रि में होती है ना, जब प्रत्येक माह में शिवरात्रि होती है, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत में भी शिव जी की पूजा यदि रात्रि के समय आप माला जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शनिदेव जी के गुरु भगवान शिव हैं, इसलिए शनि संबंधी दोषों को दूर करने के लिए, शनिदेव की शांति के लिए शनि प्रदोष व्रत को करना चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी शनि त्रयोदशी का व्रत विशेष रूप से सौभाग्यशाली माना जाता है। इस व्रत से शनि का प्रकोप, शनि के साढ़े साथी ढैया का प्रभाव भी कम हो जाता है। शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष संपूर्ण धन धान्य समस्त दुखों से छुटकारा देने वाला होता है। इस दिन यदि शिव जी की पूजा के साथ साथ शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जीवन में शनि से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। संध्या का वह समय जब सूर्य अस्त होता है और रात्रि का आगमन होता है, वही समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसा माना जाता है प्रदोष काल में शिव जी साक्षात प्रकट होते हैं और इसीलिए इस समय शिव का स्मरण करने से यदि उनकी पूजा की जाए, उनका स्मरण किया जाए, तो उत्तम फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ असर और दोषों से भी छुटकारा मिलता है। शरीर के चंद्र तत्व में सुधार आता है। चंद्रमा मन के स्वामी है, इसलिए चंद्र संबंधी दोषों को दूर करने के लिए, मानसिक शांति और प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करना चाहिए। शरीर का ज़्यादातर हिस्सा जल है, इसलिए चंद्रमा के प्रभाव से सेहत अच्छी रहती है। शनि प्रदोष पर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। बार बार मैं आपको याद दिला रही हूँ, तो जो भी आपको एक उपाय जो भी करना हो आप कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर एक उपाय आपको करना है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में, हमारे पुराणों में, सभी में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व है। और वैसे भी हम भगवान की आराधना तो करते ही हैं, तो जिसको भी प्रदोष व्रत करना, वो शनिवार के दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन से व्रत प्रारंभ करे तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत शुभ माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन आप पूरे दिन निराहार व्रत करते हैं। आप चाहें तो, वैसे तो देखिए इसका नियम ये है व्रत का कि इसमें नमक और अन्न का त्याग किया जाता है, किंतु आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। और यदि आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है, जो व्रत में खाया जाता है नमक, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कहने का तात्पर्य है अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए ही कोई भी व्रत करना चाहिए, वरना व्रत ना करके आप पूजा पाठ भी नियम पूर्वक पूरे विधि विधान से करके भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जाना कि शनि प्रदोष व्रत, अप्रैल महीने का व्रत या फिर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का व्रत की डेट क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त समय क्या है और किस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए और व्रत करने से क्या क्या फल मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य ही कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल है,
तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत सुंदर जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।